नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपत और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हम जानेंगे हमारे युवाओं से, हमारे बुजुर्गों से और हमारे देश की जनता से कि वो क्या सोचते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, वो क्या सोचते हैं किसान आंदोलन के बारे में, या फिर अभी जो हालिया मुद्दा चल रहा है ट्रंप का, जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमारी जनता है वो क्या सोचती है, उनकी क्या राय है, ये हम उनसे खुद जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ की जनता से। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनीस अहमद है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। अनीस जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पे अकाउंट बैन कर दिया है, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पे जो है हमला है। सबको हक है अपनी बात रखने का, और अगर जो गलत बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अकाउंट्स बंद करना ये बिल्कुल गलत है ये। और ये जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है, आपको क्या लगता है? किसानों का मेरी राय यह है कि इनकी बातें मान लेनी चाहिए। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, ये लोग इतनी इतनी दूर से आए हुए हैं, और गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए है, जो पब्लिक चाहती है गवर्नमेंट को वो काम करना चाहिए। अब पब्लिक को पसंद नहीं है कि भाई हमारे साथ ऊपर ये कानून थोपा जाए, तो ना थोपें। गवर्नमेंट कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पब्लिक का ही राजा होता है, और वो पब्लिक जो है उसको राजा को चुनती है, और ये बादशाह नहीं होते हैं बल्कि ये प्रधान होते हैं और सेवक होते हैं। इनको जो है लोकतंत्र के को मैं बादशाहत नहीं चलती, ये इनकी बादशाहत चल रही है, लेकिन बादशाहत नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं, बल्कि एक आप प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कीजिए और लोगों को सुनिए। आप सबके प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई जातिवादी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में भाई भाई का नारा ये हमारे देश में रहा है और रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी, क्योंकि आम जनता की राय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन जो है, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का वैक्सीनेशन है, तो क्या इस तरह की बयानबाजी सही है, और वैक्सीनेशन को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर मेरी राय यह है कि गवर्नमेंट जो करेगी वो सोच समझ कर करेगी। इसमें बड़े बड़े IAS IPS बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, इसमें कोई बीजेपी और कोई कांग्रेस का इसमें कोई मतलब नहीं है। वैक्सीनेशन जो है एक मेडिकल इशू है, जो मेडिकल लोग के लाइन के लोग हैं वही इसको डिसाइड करेंगे, वही लगवाएंगे, ऐसे कोई किसी पर आरोप जो है नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ शबनम जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यूपी में जो महिलाओं के साथ जो वारदात होती हैं उसके बारे में इनकी क्या राय है, क्या सोचती हैं। शबनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूपी में सबसे ज़्यादा रेप केसेस के मामले सामने आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूपी में जो सबसे ज़्यादा रेप केसेस है, यूपी में क्या ऑल इंडिया में ही हो रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जो मतलब कानून है ना, वो बहुत गंदा है, मतलब है ही नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो के बराबर है। बनाते हैं मगर गरीबों के लिए, अगर गरीब ऐसा कोई करता है तो उसके लिए फांसी भी है, उम्र कैद सब कुछ है, मगर एक अमीर करता है, पंडित भी कर रहे हैं, मौलवी भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आम जनता, मतलब लोग इतने जो लड़के हैं ना ऐसे, मतलब दरिंदगी दिखा रहे, एक होता है रेप और उसके साथ उसके बाद होती है दरिंदगी, मतलब उसको मारना पीटना, एक आपने अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली, उसके बाद जो वो करते हैं ना उनका मतलब मैं क्या बताऊँ, सब जानते हैं कि क्या होता है, वो उस लेवल तक मेंटेलिटी पहुंच चुकी है कि इंसान तो है ही नहीं वो, हट, मतलब हमारे जो इंडिया का कानून है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। वहाँ का CM हो चाहे यहाँ का CM हो, हमारे PM हो, प्रेसिडेंट हो, मतलब बहुत, जब तक दिल में डर नहीं बैठेगा ना तो वो नहीं, मतलब हमारे कहीं से भी नहीं जाएगा, ये रेप केसेस वगैरह बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। इसका जो लॉ है वो बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, मतलब करें या तो फांसी या उम्र कैद, मतलब होते ऑन द स्पॉट फैसला करें, अगर नहीं हो रहा कानून से तो हमें दे दो, और भी लोग लड़के समझदार हैं उनको बोलो, उनके जनता के हाथ में दे दो, वो बहुत ही बेटर लेंगे डिसीजन इसके खिलाफ। अगर नहीं हो रहा गवर्नमेंट से तो हमें दे दे, हमसे पूछे कि कैसा लॉ होना चाहिए, जहाँ करे वो जहाँ दिखे ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए, ना दिन ना मिनट सेकंड कुछ ना देखे, जहाँ है बिल्कुल वहीं पे उसका डिसीजन ले लेना चाहिए, मेरी तरफ से यही होना चाहिए। मेरे साथ पूजा परिहार जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी राय वैक्सीनेशन के ऊपर और महिलाओं के बारे में। पूजा जी, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन आने वाला है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वैक्सीनेशन आ रहा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का, फाइनली जिस चीज़ का हम एक साल से वेट कर रहे थे तो फाइनली हमारे पास आ गया, बस अब वेट है कि हम कॉमन पीपल्स को कब लगेगा, हेल्थ वर्कर्स के लिए तो स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट, एंड वी आर होपफुली वेटिंग फॉर इट।
मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं और जो रेप केसेस हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं और रेप केसेस के साथ दरिंदगी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? रेप केसेस यार, इसके लिए तो बस एक ही इनिशिएटिव लिया जा सकता है जो हम खुद लेडीज़ को लेना होगा, अपनी फैमिली से स्टार्ट करना होगा, अपने घर के बच्चों को समझाकर कि वो खुद को, अपने फ्रेंड सर्कल को और अपनी सोसाइटी को खुद ही समझाएं। और ये काम सिर्फ हमारे घर के लड़के इंडिविजुअली कर सकते हैं और तीसरा कोई नहीं, क्योंकि लड़कियों ने बहुत कुछ करके देख लिया, सोसाइटी ने बहुत कुछ करके देख लिया, हम लोगों ने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ है। अब जो कुछ कर सकते हैं हमारे घर के लड़के खुद, अच्छे घर के खुद खड़े हों, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे को समझाएं जब वो अपने फिफ्थ क्लास में या सिक्स क्लास में, तभी से। और ये हमें ही फीडअप करना होगा अपने बच्चों के ब्रेन में, दैट्स इट। तो अब आपको लगता है कि कानून कुछ नहीं कर सकता रेप केसेस में? कानून तो जब करेगा जब हमारा ब्रेन वॉश हम खुद करेंगे। कानून हमारे लिए बनता है, हम कानून के लिए नहीं। अगर हम खुद अपने आप अप्लाई नहीं करेंगे तो कानून क्या करेगा? इट जस्ट अ बुक फॉर अस, दैट्स इट। तो आपने देखा लोकबात के माध्यम से कि लोगों की राय क्या है, जनता की क्या राय है वैक्सीनेशन के मुद्दे पर, या फिर अगर हम किसान आंदोलन की बात करें, या फिर ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बैन करने की बात करें। तो आपने जाना अलग अलग लोगों से अलग अलग मुद्दों पर उनकी अलग अलग राय। इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।